यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सर ने एक बोतल में से केमिकल को मिला गया था और इसका जो कलर है वो केमिकल का चेंज हो चुका है। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, एकदम बढ़िया पेस्ट केमिकल बन के तैयार हो रहा है और किस तरह चूड़ियों के ऊपर लगाया जाएगा और क्या क्या चूड़ियों के ऊपर किस तरह ऐसे चूड़ी लग जाएगा कि आप सीधा उंगली से लगा देंगे तो उंगली खराब भी हो सकती है, केमिकल हाथों से चिपक जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं। इस तरह अलग एक डिब्बी होती है इसकी, जैसे क्या बोलते हैं कुप्पा बोलते हैं हमारी भाषा में। और तो देखिए ये इनके पास एक छोटी सी बोतल है जिसे मैं बोल सकता हूँ, और ये इसको कट करेंगे, इसका जो मुंह है थोड़ा अपनी स्टाइल में बताएंगे कि चूड़ियों के ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाए। तो ये ब्लेड से कट करेंगे और ये इसका जो कुप्पा का जो साइज है इस चोंच टाइप का दिखाई दे रहा है आपको, देखिए तो किस तरह यहाँ पर कट कर रहे हैं। देखिए आपको इस तरह से कट करना होगा, देखिए, ताकि ये चूड़ियों के अंदर अच्छे से फंस जाए और केमिकल भी अच्छे से लग जाएगा उसके ऊपर। और देखिए किस तरह यहाँ पर इसको दबा करके बोतल को केमिकल बोतल के अंदर ही भर जाएगा। देखिए जितना इसको दबाएंगे उतना ही केमिकल ऑटोमेटिकली अपने अंदर खींच लेगा ये। देखिए थोड़ा आपको होल्ड करके रखना होगा, मतलब रोक करके, फिर आपको दोबारा ये बोतल डालनी है ताकि इसके अंदर अच्छे से केमिकल भर जाए। फिर आपको इसकी जो नोजल बनाई थी वो लगा देनी है, फिर आपको हड्डी तैयार करनी है जो कि इस तरह दोनों तरफ आपके जो वेलन है घूम सके। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, जिस तरह ये केमिकल को लगा रहे हैं, फिर आपको ये बेलन है घुमाना होगा, घुमाते घुमाते आपको ये बोतलें लगानी होगी ऊपर, फिर ऑटोमेटिकली आपका जो केमिकल है वो लगने लग जाएगा। और मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे तो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है वो आप समझ रहे होंगे, देखिए कितने अच्छे तरीका से केमिकल चूड़ियों के ऊपर लग चुका है, एकदम बन करके तैयार हो गया है। और ये तो देखिए एक कलर बना करके दिखाया है, चूड़ियों के कलर अलग अलग होते हैं, अलग अलग वैरायटियाँ होती हैं, वो आपको वीडियो में अलग से बना करके दिखाएंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताना ये आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।